नमस्कार। ना ह पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 4, जिसका नाम है परिवार, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। बलिराम हेडगेवार उस समय नागपुर में एक श्रेष्ठ विद्वान के नाते विख्यात थे। उनका सांसारिक जीवन यद्यपि निर्धनता का था, फिर भी उनकी वृत्ति सात्विक एवं स्वाभिमानी थी। अपने कुल में परंपरा से चले आए वेदाध्ययन के साथ साथ उन्होंने अग्निहोत्र की दीक्षा लेकर अत्यंत दक्षता एवं भक्ति भाव से श्री अग्नि नारायण की उपासना भी निष्ठापूर्वक चला रखी थी। पहले कुछ वर्ष तो उन्होंने स्मार्ताग्नि का पूजन किया तथा उसके उपरांत त्रिकुंड अग्निहोत्र का व्रत ग्रहण किया। श्री बलिराम पंत ने ऋग्वेद का अच्छा अध्ययन किया था। वे अपनी कुल परंपरा के अनुसार उपजीविका के लिए पौरोहित्य तथा कर्तव्य समझकर विद्यादान दोनों ही काम करते थे। आगे चलकर तो उन्होंने किसी के घर भोजन के लिए भी जाना छोड़ दिया था। उस समय वे शास्त्र विहित पद्धति से निश्चित घरों से सीधा ही भिक्षा के रूप में ग्रहण करते थे। सिर पर लाल कंटोपा, मस्तक पर भस्म और हाथ में तांबे का कटोरा लिए बलराम पंत की हंसमुख, कृष व कृष्ण मूर्ति आज भी कुछ वृद्ध लोगों के स्मृति तल पर अंकित है। धोती और तफेद उत्तरीय, यही था उसका परिधान। इसी सादे वेश में वे सब कामकाज करते। वेदमूर्ति बलराम जी के पुत्रों में सबसे बड़े महादेव शास्त्री थे। वे अपने नाम के अनुरूप मानो रुद्र के अवतार ही थे। दूसरे सीताराम जी तथा तीसरे केशव राव को उसकी तुलना में शांत ही मानना पड़ेगा। पुत्रों के समान पुत्रियां भी तीन थीं, सरू, राज और रंगू। इनमें सरू की ससुराल नागपुर में देव के यहाँ तथा राज की विंचुरे के यहाँ थी। तीसरी रंगूताई का विवाह पट्टलवारों के यहाँ हुआ था। महादेव शास्त्री तथा सीताराम और केशव की आयु में काफ़ी अंतर था। महादेव को वेदाध्ययन के हेतु संस्कृत विद्या के केंद्र काशी नगरी भेजा गया था। वे वहाँ से अपना अध्ययन पूर्ण कर और उसमें प्रावीण्य प्राप्त कर नागपुर वापस आए तथा अपना व्यवसाय भी प्रारंभ कर दिया। उस समय सीताराम और केशव केवल पाठशाला में जाने लगे थे, अतः धीरे धीरे शास्त्री की धाक दोनों ही छोटों भाइयों पर बैठना स्वाभाविक ही था। महादेव शास्त्री पहलवानी ठाट में रहते थे। शरीर पर मलमल की सदरी व गले में शक्ति की निशानी के रूप में गंडा और ताबीज लटका रहता था। वर्ण से वे काले थे। मन से जैसे वे दृढ़ निश्चयी, वैसे ही उनकी बाहुएं फौलाद के समान शक्तिशाली थीं। व्यायाम का उन्हें खूब शौक था, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर में एक भाग में अखाड़ा बना रखा था। उसमें करेल, मुदकर, मलखम, बेंत का मलखम, गदा आदि व्यायाम के मुख्य मुख्य साधन जुटाए हुए थे। घर में गरीबी थी, फिर भी अपनी आमदनी में से घर को कुछ देकर शेष पैसे से वे अपने साथ अखाड़े में दंड बैठक लगाने वाले तथा मलखम करने वाले अपनी गली के साथियों को अत्यंत चाव से खिलाते पिलाते रहते थे। गर्मी के दिनों में तो कभी कभी भंग भी छनती थी। भाग 4 यहीं समाप्त होता है। भाग 5 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।